कॉलोनाइजर ने दी महिला को जान से मारने की धमकी। महिला ने दिया पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन। ये मामला गंजवासोदा से सामने आ रहा है, जहां बेदनखेड़ी वार्ड क्रमांक 8 लवकुश नगर कॉलोनी की महिला सिया शर्मा ने दो अलग अलग ज्ञापन दिए हैं। एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को और दूसरा पुलिस अधीक्षक के नाम SDOP को ज्ञापन सौंपा है। सिया शर्मा ने बताया कि उनके मकान के पीछे 14 फीट की गली है, जिस पर नंदलाल कुशवाहा ने कब्जा कर लिया है। आगे महिला ने बताया कि नंदलाल कुशवाहा की जमीन का सौदा कॉलोनाइजर से हो गया, वहीं बगल में उसकी कॉलोनी लगी हुई है और जब मुझे जानकारी लगी तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहने लगे कि तुम जिससे भी चाहे शिकायत कर दो, पुलिस वालों का मैं ट्रांसफ़र करा दूंगा और नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों से मेरा लेन देन चलता रहता है और तुम्हारी कहीं भी सुनवाई नहीं होगी। अब ऐसे में देखना लाजमी होगा कि एक गरीब महिला की सुनवाई होती है या कॉलोनाइजर की बात सही होती है। विदिशा से इंडिया खबर लाइव के लिए एलन चौबे की एक रिपोर्ट। एक कार्रवाई की जा रही है, मैंने इसमें थाने को भी लिखा है और तहसीलदार साहब को भी लिखा है कि इसमें जांच करके, उसमें पहले भी जांच हो चुकी है और पटवारियों ने उसमें इन्हीं के महिला के जो श्रीमती सिया बाई हैं उनके फेवर में दिया था, परंतु अभी बीच में कुछ किसी पटवारी ने किसी किन्हीं कारणों से उसको फिर से रिपोर्ट दूसरी दे दी है। नौकरी की वजह से ये बोल रहे थे कि लगे कि वो बहुत वो कर रहे हैं, उसको सस्पेंड करवा देंगे पुलिस को और आपको भी उड़वा देंगे। किसने कहा? हमारा भाई साहब को मैंने फ़ोन लगाया था, पूछा मैंने कहा भाई साहब मुझसे कौन सी नाराज़ी है, मेरी तुम्हारी क्या लड़ाई है कि मेरे बीच में आप रोक डाल रहे हैं। मुझे वो परेशान कर रहे हैं, प्लाट लिया है उसमें से दीवार खींचने के लिए, मतलब तो गेट करने के लिए।